गुड मॉर्निंग डे 10 का पिगमेंटेशन चैलेंज। सो सुबह के 2 ग्लास पानी हो चुका है, अब थोड़ा सा नारियल पानी पी लेते हैं। नारियल पानी है तो पी लीजिए, वरना कोई बात नहीं, सिंपल डाइट भी फॉलो करेंगे तो जरूर अच्छा होगा। 6 मंथ तक भी रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद तक भी मिलते हैं, डिपेंड करता है पिगमेंटेशन पे। तो अच्छे से आप डाइट फॉलो करते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पिगमेंटेशन जाएगा, पर इसी से जाएगा, आपको डिफरेंस भी दिखाई देने लगेगा। तो इसके पल्प मैं फेस पर लगा भी लेती हूँ। फिर सुबह का टाइम होता है ड्राई फ्रूट्स का, तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह ही ले लूँ, कभी कभी लेट होता है तो मैं शाम को खा लेती हूँ। और पीनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीनट जरूर लेनी है आपको नट्स में, क्योंकि प्रोटीन से भरपूर है, बहुत अच्छा रहता है ये आपकी पिगमेंटेशन के लिए। तो इतना सा ज्यादा नहीं, इतने में कर लेती हूँ। तो सारा नट्स मैं सुबह एक साथ इकट्ठा करके बाउल में बैठ जाती हूँ, बिफोर वर्कआउट खा लेती हूँ। अब आ गए हैं योगा क्लास में, तो हमारा क्या क्या काम हो गया है। तो 2 ग्लास पानी हो गया है, नारियल पानी है तो पी लीजिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट पीना है पीना है, ठीक है। नट्स मैंने खा लिए हैं, जैसे कि बताया आपको, मैंने एक बाउल भर के नट्स खाने खाने, सारे नट्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी, एक लिमिट में खाना है सारे। जैसे 2 अखरोट खा लिए, 4-5 बादाम खा लिए, थोड़ी सी किशमिश खा ली, 2 काजू खा लिए, 2 अखरोट, इस टाइप से खाना है, ठीक है। अब योगा क्लास में आ जाते हैं तो हमारा 3 काम हो जाते हैं पूरे, तो खूब मन लगा के योगा कीजिए। मैं देखो गाइस सुबह 1 घंटा योगा करती हूँ, फिर मैं शाम के टाइम जाती हूँ वॉक करने के लिए, इसके बाद रात को खाना खाने के बाद भी जाती हूँ। तो कुछ कमेंट आया था कि वेट कम हो रहा है, तो थोड़ा डाइट पे ध्यान दो, प्रोटीन रिच डाइट लो, प्रोटीन रिच डाइट से पिगमेंटेशन पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो वेट जैसे कि आपने, जैसे मैंने कमेंट पढ़ा, मैंने अपना वेट चेक किया, तो गाइस मेरा तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ इतना वर्कआउट के बाद भी, इवन मसल्स बनते हैं जितने आप वर्कआउट करते हो। तो सुबह का टाइम देंगे 1 घंटा योगा के लिए, योगा क्लास मैंने ज्वाइन करी है अभी कुछ दिन पहले ही। आप चाहे तो घर पर कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एरोबिक्स, जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। बस पसीना बहाना है, अच्छा खाना है, खुश रहना है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूंगी तो हेल्दी खाना है सिर्फ, बाहर का जंक फूड बंद कर दीजिए, पानी का बढ़ा दीजिए, ठीक है, अच्छा अच्छा यूज कीजिए खाना पीना। देखो आपको खुद ही चमक आने लगेगी चेहरे पे, क्योंकि जब आपका अंदर से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपका ब्लड क्लीन रहता है, तो आपकी सारी बीमारियां कटने लगती है। मन इतना पसीना आना चाहिए, अब तो गर्मी आ गई और पसीना जल्दी आता है थोड़ा ही वर्कआउट के बाद, ठीक है। तो हो गए हमारे ये काम, तो अब जाएंगे, जब मैं वर्कआउट कर लूंगी इसके बाद हमें क्या खाना होता है, सीजनल फ्रूट। तो कोई भी 2 फ्रूट खाने हैं जो आपकी इच्छा हो। तो घर आ गई थी, इसके बाद स्प्राउट्स का, इसमें इतना ही स्प्राउट बनाती हूँ थोड़ा सा, इसमें हल्का हल्का सा जड़ता है तभी खा लेती हूँ, बहुत लंबे लंबे जो आते हैं वो कड़वा लगता है खाने में। नींबू पानी पिया, विटामिन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोशिश की विटामिन सी जाए बॉडी में, या तो टेबलेट खाना चाहते तो विटामिन सी की आ रही है चूसने वाली वो भी खा सकते हैं, पर मैं स्प्राउट्स खा लिए थे, हल्के हल्के जड़े थे, फिर नींबू पानी पिया, विटामिन सी बहुत जरूरी है पिगमेंटेशन के लिए, थोड़ी सी चीनी डाल के उसमें आधा नींबू निचोड़ लिया था। विटामिन सी अगर आप नींबू वगैरह नहीं, खट्टे से एलर्जी है तो आप टैबलेट भी खा सकते हैं विटामिन सी की, जो चूसने वाली आती है। फिर है सलाद का टाइम, तो बिफोर लंच सलाद खाने खाना है, उसके बाद कोई भी दाल सब्जी जो भी आपके घर में बनी हो, दाल चावल जो भी आप खाते हो वो खा सकते हैं। इसके बाद रेस्ट लेना है पेट को दोपहर में, फिर शाम को जैसे कि बताया है 1 गिलास दूध शाम को या रात को, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे अपनी भूख के हिसाब से, फिर दोबारा से सलाद और फिर रात का खाना। इसके बाद रात को लगाना है फेस के ऊपर, प्रोटीन युक्त खाना होना चाहिए, दही दोपहर में नहीं ली थी तो रात को ले ली थी। इसके बाद रात को एलोवेरा जेल, नारियल तेल या देसी घी लगा सकते हैं, पर स्किन को जो नरिशिंग रखना है उसको मॉइस्चर रखना ही रखना है, ड्राई नहीं होने देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।